सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है सफलता केवल और केवल आपकी मेहनत पर निर्भर करती है अगर आपको सफलतम व्यक्ति बनना है तो आपको केवल और केवल आपको मेहनत करनी होगी और अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज Law of definite proportion or law of constant proportion. So now let's start. तो देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो इसमें हमें लोगों क्या देखना है इसमें हमें देखना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और किसी भी नाम से आ जाए प्रोपोशन सेवेंटी साइंटिस्ट ने दिया था इस लॉ में क्या बताया गया जितने भी प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनके जो मासेस का रेशियो होता है वो भी डेफिनेट होता है तो इसको हम लोग किस वे में बोल सकते हैं दिस लॉ वॉज द जोसेफ इन नाइन एंड इन दिस लॉ आ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सेम एलिमेंट एंड कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाई मास ऐसे ही बोल सकते या ऐसे बोल सकते हो या प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट एंड द प्रपोर्शन ऑफ देयर मासस कैसा होगा विल बी डेफिनेट सो हम लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि जितने भी प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं वो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनके जो एलिमेंट्स का जो मासस का रेशियो होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है मतलब आप प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेंस या कंसिस्ट ऑफ आ सेम एलिमेंट्स एंड कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्सड प्रपोर्शन बाई मास जिसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं जैसे सपोज करो वॉटर है वाटर हमेशा कैसे भी हम वाटर को अगर हम प्रोडक्शन ऑफ वाटर पढ़ते हैं या मैनुफैक्चरिंग करते हैं वाटर की किसी भी थ्रू किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू तो वहाँ पे वॉटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो भी फिक्स होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे वन रेशियो एट होता है जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं सेवरल वे से बना सकता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है बहुत सारी रिएक्शन है ऐसी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग प्राप्त करते हैं तो उन सभी रिएक्शन जिनके द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा डेफिनेट होगा और हर वे से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा और हमेशा कंसिस्ट करेगी कार्बन और ऑक्सीजन को तो इस चीज को समझते हैं देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखें पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास पहला एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास इसको समझ लें क्या लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कार्बन डाईक्साइड में फॉर्म्ड इन आ नंबर ऑफ वेज फर्स्ट वन है क्या आपका बर्निंग बाय बर्निंग कोक इन एयर देखो यार कोक से मतलब यहां कार्बन से है कार्बन को जब हम लोग वर्न कराते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा और हमेशा कोई भी चीज जलेगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन जलती है तो इसको जब हम वर्ण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है सी ओ टू अब यहां पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त किया इसी तरीके से मैंने डिकम्पोजिशन किया लाइम स्टोन लाइम स्टोन का मतलब होता है कैल्सियम कार्बोनेट यहां पे आप लोग क्या लिखा हुआ ये कैल्सियम कार्बोनेट यहां थ्री

ऑक्साइड आयन और कैल्सियम का, आयन होता है ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन द्वारा क्या बना लेते हैं प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट होंगे यहां से क्या बन जाएगा कैल्सियम ऑक्साइड इसको केवल बोलते हैं लाइम क्या बोलते हैं लाइम तो कैल्सियम ऑक्साइड इसके साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इस वे से भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया अब एक और कह रहा है बाई एडिशन ऑफ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा का मतलब होता है केमिकल नेम जो इसका होता है वो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट तो यहां पे देखें जब हमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अगर रिएक्शन कराया हमने डाइल्यूट HCl का तो HCl को हम लोग इसके साथ रिएक्ट करा के एक बार देख लेते हैं जिन बच्चों को क्लियर नहीं है उनको मैं बता दूं कि इसको हम लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज को ध्यान से देखें कि सोडियम कार्बोनेट किस में टूटेगा टू सोडियम आयन में क्लियर है कार्बोनेट अभी मैंने बताया सीओ थ्री टू माइनस में ब्रेक होगा सीओ थ्री टू माइनस कार्बोनेट आयन फर्दर ब्रेक किस में होता है ऑक्साइड आयन में और कार्बन डाइऑक्साइड में तो अपने को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था वो मिल गया अब यहाँ पे इसकी कहानी क्या है ये देता है एच प्लस और सी एल माइनस अब यहाँ पे हमें देखना है कि कितना सोडियम आयन है दो तो यहाँ पे क्लोराइड आयन दो करने के लिए हमें टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारे पास टू एच आयन और टू सी एल माइनस हो जाएगा अब क्या होने वाला है यहां पे आप देखें कि यहां पे ये टू सोडियम आयन और ये टू क्लोराइड आयन आपस में मिलकर क्या देने वाले हैं ट्वाइस एन ए सी एल और इसके साथ साथ ये सीओ टू तो अपने पास है ही तो यहां पे सीओ टू भी मिल गया अपने को और यहां पे उसके साथ साथ क्या बचा टू एच प्लस और ओ टू तो दो प्लस से दो माइनस कैंसिल होंगे दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज दो है माइनस का पर यहां पे ऑक्सीजन तो एक ही है दो हाइड्रोजन है तो ये मिलकर हमें देता है वाटर तो इस तरीके से यहां भी हमने क्या प्राप्त कर लिया सीओ टू तो आपने देखा कई सारे तरीके से हम सीओ टू को बना सकते हैं सीओ टू ला सकते हैं कई सारी केमिकल रिएक्शन द्वारा हमें सीओ टू प्राप्त होता है पर यहां कहने का मतलब क्या था कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड यहां पे कॉमन कंपाउंड कौन है कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केबल और केबल हर जगह कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है तो यही बोला था प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट फिर दूसरा क्या बोला एंड कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इसका मतलब क्या हुआ उसको भी समझते हैं थोड़ा सा देखते हैं क्या है? इसमें बताया गया है अगर मैं इस चीज को देखूं तो यहां से देखें आप लोग इस चीज को देख लें कि यहां पे हमारे पास क्या बताया गया जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्चुअली में जो कार्बन डाइऑक्साइड है

सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होगा और कार्बन और ऑक्सीजन का, हमेशा हमेशा का रेशियो होगा वो थ्री रेशियो एट होगा वो हमेशा डेफिनेट होगा वो हमेशा हो इसीलिए प्रपोर्शन इस के नाम से जाना जाता है आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी गॉट इट इसके बाद हम लोग कुछ इस पर रिलेटेड कुछ इस पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स को भी करके देख लेते हैं कि इस पर डिपेंडेंट कैसी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो देखें पहली प्रॉब्लम जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जीरो पॉइंट फाइव ग्राम देखो सिंपल एक्चुअली क्या है अभी तक आप कोई भी बच्चा होता है तो क्या करता है बुक से लॉ को लर्न करने की कोशिश करता है आप बुक से लॉ को लर्न नहीं समझने की कोशिश करें जो भी चीज़ जितनी भी तरीके से आपको बताई जा सकती है या जिस वे से आपको वो सीखनी चाहिए वो हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और उस पर डिपेंडेंट जो जो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं जिस टाइप के भी बन सकते हैं या किस टाइप के आपको पेपर में पूछ सकता है टीचर तो वो क्वेश्चन आपके सामने मैं कराता हूं और कोशिश करता हूं कि आप इस चीज को प्रॉपर वे में नोट्स बना के सीख रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है? समझने की कोशिश करिएगा पहले, की अगर मैं बात करूं, तो पहले मैं यहां पे देखें 0.5 ग्राम सिल्वर है तो मास ऑफ सिल्वर देख लीजिए मास ऑफ सिल्वर सिल्वर आप लोग जानते हैं एजी होता है कितना है 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम इन अ इन एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड जिसमें ये डाला गया वो किसकी अधिकता है नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 में डिसॉल्व किया गया है इसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ NaCl और ये सॉल्यूशन किससे ट्रीट कर रहा है फिर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से व्हेन 0.66 ग्राम AgCl जब ये NaCl किससे फॉर्म करेगा जब ए जी एन से रिएक्ट करेगा तो एजीसीएल बनाएगा वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जो सोडियम सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर क्लोराइड कितनी फॉर्म हो रही है जीरो तो मास ऑफ द कंपाउंड मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कितना दिया 0.66 ग्राम अब बात आई वो कह रहा है ये क्या है पहला एक्सपेरिमेंट है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बात कही जा रही है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्योंकि इसमें दो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा तो पहले एक्सपेरिमेंट में कह रहा वन ग्राम ऑफ मेटालिक सिल्वर वायर इज हीटेड इन ड्राई सी एल टू। यहां पे यह सी एल टू है इस चीज को ध्यान दें ठीक है तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात मैं बाद में देखूंगा पहले मैं देखता हूं इस चीज से मेरे को सिल्वर का वेट पता है मास पता है और सिल्वर क्लोराइड का तो यहां से क्या मैं इसलिए यहां से मास ऑफ अगर मैं बात करूं सीएल तो क्या आप नहीं निकाल सकते तो आप क्या करेंगे सिल्वर क्लोराइड के मास में से मास ऑफ एजीसीएल में से मास ऑफ को रिमूव कर दे मास ऑफ ए जी तो यहां से सिल्वर क्लोराइड का मास 0.66 ग्राम और सिल्वर का मास कितना 0.5 ग्राम और जब आप यहां से माइनस करेंगे जब आप यहां से माइनस करेंगे तो 0.16 ग्राम आपका किसका मास आ गया क्लोरीन का तो यहां से पहले तो सिल्वर और क्लोरीन का जो प्रपोर्शन है रेशियो है मासिस का वो देखते हैं दियर फोर द रेशियो बिटवीन द सिल्वर एंड क्लोरीन मासिस रेशियो देखना है तो सिल्वर का कितना मास है जीरो पॉइंट फाइव और यहां पे रेशियो हमारे पास जीरो पॉइंट वन सिक्स ये रेशियो है इनके का तो देखते हैं यहां पे, तो पे जल्दी से इसको देख लें सॉल्व करके देखें जीरो पॉइंट फाइव अपॉन जीरो पॉइंट वन सिक्स इसको सॉल्व करें जीरो पॉइंट कितना आ जाएगा पॉइंट हटाएंगे यहां से 50 हो जाएगा 0.3125 इतना आ जाएगा 0.3125 तो यहां से देखें इतना आ चुका है हमारे पास अब हमारा काम क्या है सेकंड एक्सपेरिमेंट को पढ़ने का तो सेकंड एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं हम लोग एक बार क्या कह रहा है अपने से मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करने जा रहा हूं अब अगर सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी इन सिल्वर और क्लोरीन के रेशियो इतना ही फिक्स्ड निकलता है तो इसका मतलब है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले लॉ को कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा सेकंड एक्सपेरिमेंट में कह रहा है वन ग्राम मेटालिक सिल्वर है अब जो सिल्वर का मास है मास ऑफ सिल्वर वो कितना है वन ग्राम वन ग्राम और यहां से अगर मैं ध्यान दूं उसके बाद मुझसे कह रहा है कि वायर इज हीटेड इन ड्राई सी एल टू इतने ग्राम ए जी सी एल वन पॉइंट थ्री टू ग्राम है ए जी सी एल वन पॉइंट थ्री टू ग्राम तो यहाँ पे जो मास है ए जी सी एल का मास ऑफ ए जी सी एल वो कितना है जीरो पॉइंट वन थ्री टू ग्राम एक बार देख लेते हैं यही है यस वन पॉइंट थ्री टू सॉरी वन पॉइंट थ्री टू तो यहाँ पे एक बार देखते हैं इसको ये कितना है वन पॉइंट थ्री टू इतने ग्राम अब बताइए मेरे को जल्दी से कि मास ऑफ अगर क्लोरीन निकालना है तो आप क्या करेंगे 1.32 में से क्या माइनस कर देंगे वन तो यहां से जो आएगा वो कितना ग्राम आने वाला 0.32 ग्राम अब मैं अगर आपसे कहूं अगर मैं अब आपसे कहूं यहां पे इसको अलग कर दें। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड एक्सपेरिमेंट ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था सेकंड एक्सपेरिमेंट में सिल्वर और क्लोरीन का अगर मैं रेशियो देखूं उसके मासिस का तो सिल्वर कितना है वन रेशियो और क्लोरीन कितना 0.32 अब इसको सॉल्व करके देखते हैं वन अपॉन जीरो पॉइंट थ्री टू पॉइंट हटाएंगे जीरो जीरो आएगा यहां से आप जल्दी से डिवाइड दे देखिए क्या 0.3125 आ रहा है देखिए दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्राप्त होने वाला सिल्वर और क्लोरिन का अगर मास जो रेशियो है वो फिक्सड है इसका मतलब ये डेफिनेट लॉ ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन या मतलब लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट या डेफिनेट लॉ को ये क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यही चीज आपसे पूछी भी गई थी क्वेश्चन में कि सो दैट दिस डाटा कंफर्म्स दैट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यस बाय दिस डाटा वी कंफर्म दैट दिस इज एग्जिस्ट दिज एग्जिस्ट इन अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो रही हैं सेकेंड एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जिससे और क्लियर होगा देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या देखना है अपने लोगों को क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन उस चीज को समझ लें पे सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इतने ग्राम लेड मतलब कि लेड का मास दिया है मास ऑफ पीबी पीबी का मतलब लेड कितना है अपने पास 6.488 ग्राम रिएक्ट कर रहा है इतने ग्राम ऑक्सीजन तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1.002 ग्राम कह रहा है ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं ऑक्साइड और इस ऑक्साइड को हम लोग हीट करके भी प्राप्त कर सकते हैं पी बी एन ओ थ्री का होल ट्वाइस यहां पे सही लिख लेना पी बी एन लेड नाइट्रेट लिखा हुआ है आपके पास इसको हीट करने से जो ऑक्साइड प्राप्त होगा वही ऑक्साइड इतने मासेस को इनको मिलाने पर भी वही प्राप्त होगा इतने ग्राम ये लेड इतने ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो जो लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा वो इसको हीट करने पर भी प्राप्त होगा तो इस चीज में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया जा रहा है पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लेड और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेते हैं तो हेयर क्या देखते हैं वाया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या होगा मासेज ऑफ पीवी रेशियो ऑक्सीजन 6.488 रेशियो 1.002 पॉइंट दैट मीन्स यहां से अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं 6.488 पॉइंट अपॉन वन इसको सिंपलीफाई करके जल्दी से बताइए क्या आने वाला है 6.475 पॉइंट इतना आएगा आपका इसको सॉल्व कर लीजिए अब सेकंडली कह रहा है सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है इट इज फाउंड दैट यहां से अब क्या कह रहा है इस चीज को देख लें सेकंड ये था फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंड की तो सेकेंड को देख लेते हैं एक बार सेकेंड में क्या कह रहा है सेकेंड में कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट क्या प्राप्त हुआ कि जो परसेंटेज ऑफ लेड है वो इन द ऑक्साइड वो कितनी है अगर बताओ कोई ऑक्साइड है ऑक्साइड हमारे पास मान लो 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट परसेंट दी है तो ऑक्साइड कितना लेके चलेंगे आप ऑक्साइड 100 परसेंट है उसमें इतना परसेंट लेड है तो इसका मतलब ग्राम में लेके चले तो मास ऑफ ऑक्साइड अगर मैं बात करूं मास ऑफ ऑक्साइड सेकंड है तो 100 ग्राम लेके चलेंगे क्यों क्योंकि इसमें जो मास ऑफ आपका जो लेड है वो कितना है 86.62 ग्राम अब इन चीजों को ध्यान दें क्या कह रहा सो दैट दीज डाटा द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इससे भी यही सो करना है आपको तो देख लेते हैं एक बार कि बात क्लियर है कि नहीं है तो सबसे पहले यहां पे ऑक्साइड का मास है और लेड का मास है तो यहां से क्या हम मास ऑफ ऑक्सीजन uh, नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते मास ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप देखना चाहेंगे तो आप हंड्रेड में से किसको माइनस करेंगे एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ग्राम को माइनस करेंगे आप जल्दी से माइनस कर लीजिए यहाँ पे ये यह फोर आएगा यहाँ पे थ्री आएगा और यहाँ पे अपने पास क्या बचा नाइन माइनस सिक्स थ्री और यहाँ पे नाइन माइनस वन थर्टीन पॉइंट थ्री फोर ये इतना थर्टीन पॉइंट थ्री फोर ग्राम आया अब यहाँ पे देखें क्या अपने पास इतना ग्राम आए तो सबसे पहले हमें रेशियो भी निकाल लेना पड़ेगा तो रेशियो जब देखेंगे अगर हम लोग रेशियो देखेंगे तो रेशियो देख लेते हैं एक बार तो पीबी और ऑक्सीजन का रेशियो इन सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है पी इसमें है 86.62 और रेशियो ये 13.32 अब इसको सॉल्व करके देखें 86.62 अपॉन कितना आएगा 13.32 तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6.475 ही आना है इस चीज को आप देखें 13 सिक्स या सेवनटी के समथिंग आ रहा है मतलब बिल्कुल क्लियर है तो यहाँ पे जो है वो आप देखें कि जितना इसका रेशियो है उतना ही इसका रेशियो है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ दिस लॉ दिस डाटा ऑल्सो सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन मतलब सिंपल है मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा दे रहा हूं आपको यहां पे अगर आप इस चीज को देख सकते हैं तो मैं इस चीज को और क्लियर करके दिखा दे रहा हूं यहां पे देखिए आपके पास पहले वाले डाटा में लेड और ऑक्सीजन का रेशियो जो आया वही दूसरे डाटा से भी लेड ऑक्सीजन का रेशियो आया पर किस वे में उसने दिया हुआ है कैसे हमने इसका रेशियो निकाला इस चीज को आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद देख सकते हैं अब एक छोटी सी बात और है यहां पे यहां पे छोटी सी बात है कि यहां पे हमारे पास जो चीज है वो समझें पहले कि यहां पे हमारे पास कुछ लिमिटेशन हैं जिन चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली लिमिटेशन क्या है द लॉ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ द कंपाउंड इज formed फ्रॉम द डिफरेंट isotopes. मतलब ये लॉ कब एप्लीकेबल नहीं है जब इसके कंपाउंड को डिफरेंट आइसोटोप से बनाया गया हो मतलब जब भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो ट्वेल्व मास लिया था इसका सिक्सटीन लिया था अब हो सकता है जो कार्बन हमने ट्वेल्व और ऑक्सीजन सिक्सटीन लिया है इसको ना लेके ये लोग कार्बन फोर्टीन और ऑक्सीजन सिक्सटीन लेके चले तो क्या ये लॉ एप्लीकेबल होगा तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं ये लॉ केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास मासस फिक्स्ड हो तो यहां पे अगर मैं आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं कार्बन 12 और कार्बन 14 के द्वारा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो जो कार्बन 12 के द्वारा बना था उसका रेशियो थ्री रेशियो एट था पर कार्बन फोर्टीन के द्वारा बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो फिक्सड नहीं होगा उतना नहीं होगा जितना कार्बन ट्वेल्व का था तो इस चीज को ध्यान रखें कि यह लॉ एप्लीकेबल कब नहीं है जब ये एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप से मिलकर बनाओ गॉट इट पहला ये चीज इसमें बताया गया C12 और C14 को लेके बताया गया तो C12 को लेके आपके पास यह बना है ये सब स्क्रिप्ट में सुपर स्क्रिप्ट में C12 और यहां यहाँ पे ये टू है और यहां पे जो है ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, है कार्बन दिया गया है तो दोनों के थ्रू जो रेशियो होगा वो अलग अलग आएगा सेम नहीं आएगा इसलिए ये इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और सेकेंड एक और कह रहा है आपसे इस चीज को भी ध्यान दें इस चीज को ध्यान दें कह रहा है द लॉ ऑफ द एलिमेंट्स में कंबाइंड इन द सेम रेशियो वट द कंपाउंड में वी डिफर देखो आपने इथाइल एल्कोअल को पढ़ रखा है सी टू एच फाइव ओ एच होता मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे ये क्या है सी टू एच फाइव ओ एच कंबाइंड करेंगे तो कार्बन दो ही है हाइड्रोजन सिक्स है ऑक्सीजन एक है और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एलिमेंट देखता हूं यहां पे क्या है अपने पास यहां पे ये सी एस थ्री ओ सी एस थ्री है मतलब डाई मिथाइल ईथर है तो यहां पर यह है सी एस थ्री ओ सी एस थ्री इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर तो डाई मिथाइल ईथर में भी अगर आप देखेंगे ईथर की फॉर्म में आर ओ आर आपको अभी केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो सी टू एच सिक्स ओ ही है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट यहां पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो ध्यान रखना था एलिमेंट में इन द सेम रेशियो एलिमेंट्स सेम रेशियो में कंबाइंड हो सकते हैं बट क्या है कंपाउंड्स में भी डिफरेंट और कंपाउंड्स भी कैसे होते डिफरेंट हो सकते हैं यहां पे देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इथाइल एल्कोल भी मिलकर बना है और डाइथाइल ईथर भी मिलकर बना है पर ध्यान देना यहाँ पे ईथर और कार्बन जो इथाइल एल्वल है वहां पे एलिमेंट सेम है पर कंपाउंड डिफर हैं तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट्स कंबाइंड जो, जो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं उनके आइसोटोप द्वारा जो कंपाउंड प्राप्त होता है तो वो सेम डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं रखेगा जितना आपने मान लो अभी मैंने दिखाया था आपको C12 और C14 तो आपको यहां ध्यान रखना है पहली बात तो ये कि जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपका कैसा होना चाहिए वही होना चाहिए इसमें आइसोटोप्स का कोई रोल नहीं होगा अगर आप उसी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स में भी वही रेशियो देखते हैं तो फिक्स्ड नहीं होगा और दूसरा ये कि सेम एलिमेंट सेम रेशियो के बावजूद भी अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते तो भी एप्लीकेबल नहीं है उम्मीद करता हूं कि इस लॉ के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं उसमें सबसे खास बात क्या रही कि आपको जोसेफ प्रास्ट ने सेवनटीन में सेम प्योर केमिकल कंपाउंड

अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तब तक के लिए आप स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहें जय हिंद जय भारत थैंक यू